तुम खुद देखो, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पीने खूब अच्छा लगे, क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है। तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो, गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे, और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, बहू, वहीं से आवाज, क्योंकि कुत्ते की उम्र लग गई है। वही से अब कुत्ते के बाद में 80 के बाद, 80 से 100 उल्लू की। डॉक्टर साहब क्या गए? डॉक्टर साहब मुझे रात में नींद नहीं आती। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, नींद की गोली दे दी, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना, पर 80 से 100 साल की जब उम्र होगी, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी लग गई। शिव महापुराण कहती है 80 से 100 में कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी इंजेक्शन लगवाओ, पर रात्रि को नींद नहीं आएगी। गोली खा भी लोगे तो रात के 1.5-2 बजे तक चकाचक सोएगी, 2 बजे के बाद उल्लू जैसी बैठी रहेगी। 2 बजे के बाद कितना भी खाओ, कितनी भी दवाई खाओ, कितने भी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, पर 80 से 100 में जाग रही, आधी रात को जागे, बहू के मम्मी सो नहीं रही, आई सोई नहीं, आई के मारे नींद ही नहीं आई। अब इसके कौन समझाए उल्लू की लगी, कौन समझाए इसके 80 से 100। अपन तो सब कथा छोड़ो, अपन अपनी कथा पे आओ। चलो महाराज, तो जो बहुत दूर रहती है ना वो अच्छी लगती है, जो पास में रह रही है, दूर के ढोल सुहावने ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ समिति वालों, काय श्रेणी की कथा 10-15 मिनट ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत तो ना है, है? हाँ, क्या विचार है तुम्हारा? नहीं, अगर खाना हो तो मैं तुम अक्षतम कैसे कर दूं, मारे का ये मिर्ची का ठेसा था यार, अपने कहीं आमटी न चावल आज तो खूब चक निपटा। अगला प्रश्न है, तो ये प्रदीक्षिणा का प्रश्न, अगला प्रश्न। शिवलिंग की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में कहाँ रखें? जहां तुम्हारी मर्जी हो। अब ये तो भगवान शंकर को पूजा घर में रखो ना, जहां पूजन होती है, जहां देवचा बैठे हुए वहां रखो। पीपल के पेड़ को सोमवती अमावस्या के दिन 108 फेरी क्यों लगाई जाती है? वाह, बहुत बढ़िया, हमने तो नहीं की कि लगाओ, अब तुम्हारा मन है 108 लगाने का। याद रखना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से वैभव बढ़ता है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने से लक्ष्मी बढ़ती है, याद रखिए, तुलसी की परिक्रमा करने से सौभाग्य बढ़ता है। अब 108 मन का लगाओ, चाहे 208 लगाओ, 216 लगाओ, ये आपके ऊपर है। यहाँ आपका भाव होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे रिझाएं।
कैसे इच्छा, ये आपका भाव है, उसका फल क्या है? तो उसका फल वैभव प्राप्ति का है, धन प्राप्ति का, यश प्राप्ति का, आप जितनी लगा। ऋषभदेव जी के पुत्र श्री भरत जी महाराज अपनी योनि से छूटे तो हिरण की योनि में गए। हिरण की योनि पाने के बाद श्री ऋषभदेव जी के पुत्र जो भरत जी थे, हिरण की योनि में आने के बाद में, हिरण की योनि पाने के बाद भरत जी को लगा कि मैं इस हिरण की योनि में पड़ गया हूं, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो हिरण की योनि में आने के बाद भरत जी महाराज पीपल के वृक्ष के नीचे जो संत बैठे हुए थे उनकी 108 परिक्रमा करते थे।